चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों पर मध्य प्रदेश में आए दिन हमले हो रहे हैं। सत्यता दिखाने पर झूठे केसों में फंसा दिया जाता है। अब तो अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अगर कोई पत्रकार किसी अपराधी या माफियाओं की पोल खोल दे तो उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। जी हाँ, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि निवाड़ी में यह घटना सिद्ध हुई है। विगत 22 जुलाई को निवाड़ी जिले में पत्रकार सुनील तिवारी की उस समय अपराधियों द्वारा बेरहमी से हत्या कर दी गई जब वह निवाड़ी अपनी दुकान से अपने निवास पुतली खेरा जा रहा था। इस घटना से पहले पत्रकार ने निवाड़ी जिला कलेक्टर को अवगत कराया था कि अपराधियों के द्वारा मेरी कभी भी हत्या की जा सकती है और निवाड़ी एसपी को भी एक ज्ञापन दिया था जिसमें कहा था कि सेंदरी पुलिस थाना प्रभारी के अपराधियों से साठगांठ है जिससे मेरी हत्या हो सकती है। एक वीडियो भी पत्रकार ने वायरल किया था जिसमें उसने प्रशासन और आम नागरिकों से अपनी जान की सुरक्षा मांगी थी मगर सेंदरी पुलिस अधिकारियों से मिली भगत थी जिसमें अपराधियों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई और उसका यह परिणाम निकला कि अंत में पत्रकार की डंडा और धारदार हथियारों से हमला कर दिया गया। अंत में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। टीकमगढ़ निवाड़ी पुलिस इस बात के लिए विख्यात है कि इनके चुंगुल से कोई अपराधी ज़्यादा समय तक दूर नहीं रह सकता मगर सोचने वाली बात तो यह है कि आज घटना के 5 दिन बीत जाने के बाद भी किसी भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया जिस पर आज पूरे टीकमगढ़ निवाड़ी जिले के सभी पत्रकारों ने एक ज्ञापन दिया है कि शीघ्र ही अतिशीघ्र अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए वरना पूरे मध्य प्रदेश और देश के सभी पत्रकार व्यापक रूप से आंदोलन करेंगे। इसी कार्यक्रम में मोहनगढ़ के सभी पत्रकारों ने मोहनगढ़ तहसीलदार के माध्यम से मध्य प्रदेश के गृह मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें कहा गया है कि पत्रकार सुनील तिवारी के हत्यारे को शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। मोहनगढ़ से कैमरामैन अनुराग सेन के साथ अवधेश शुक्ला की रिपोर्ट। माननीय गृह मंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल द्वारा तहसीलदार महोदय मोहनगढ़ विषय पत्रकार साथी के हत्यारों को गिरफ्तार करने तथा परिजनों को मुआवजा दिलाने बाबत महोदय विगत 22 जुलाई बुधवार की शाम को निवाड़ी जिले के थाना सेंदरी अंतर्गत ग्राम पुतली खेरा निवासी पत्रकार साथी सुनील तिवारी की नृशंस हत्या कर दी गई थी। पत्रकार साथी द्वारा सेंदरी थाने में इस संबंध में जानकारी दी थी। जब थाने के पुलिस बल द्वारा उदासीनता दिखाई गई तो निवाड़ी जिले के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक श्री मुकेश श्रीवास्तव को इस तथ्य से उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर अवगत कराया जिस पर एसपी ने सेंदरी पुलिस थाने को इस सिलसिले में उचित कार्रवाई के निर्देश दिए परंतु उनकी सुरक्षा के पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए और जैसे ही उन्होंने एक वायरल वीडियो में आशंका जाहिर की थी कि उनको दबंगों द्वारा हत्या कर दी गई। महोदय द्वारा हम समस्त पत्रकार साथी से हत्याकांड में शामिल अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग करते हैं। हम सभी इस दुखद घटना को रोकने में अक्षम रहे लापरवाह पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करते हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार से हमारी मांग है कि पत्रकार साथी स्वर्गीय सुनील तिवारी के एक परिजन को शासकीय सर्विस तथा 50 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही उनके परिजनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।